आज के इस वीडियो में हम लोग देखिए वीवो Y22 का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको करते हैं अनबॉक्स। तो देखिए अभी इस पर ये पूरा सील पैक है, तो इसको हम लोग पहले ओपन कर लेते हैं। तो रुक जाइए यहाँ से इसको थोड़ा हम, तो देखिए ये ओपन कर लिया हमने अब। तो यहाँ पर देखिए अब ये ओपन हो गया है। अब यहाँ से देखिए इसको ओपन करते हैं तो इंटरफेस देखते हैं कुछ किस प्रकार का रहेगा। तो देखिए यहाँ पर इंटरफेस कुछ इस प्रकार का फ़ोन हमारा दिखता है जो वीवो Y22 है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग हटाते हैं तो ये देखिए आ जाता है अपना फ़ोन कितना अच्छा, देखिए अमेजिंग लुक के साथ में। अब इसको हम लोग करते हैं ओपन। तो देखिए अब देखिए इसको हमने किया ओपन तो देखिए कितने प्रीमियम तरीके से, कितने अच्छे से, देखिए काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग वाला कलर है यार, वाह देखिए कितना अच्छा। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, अब इसको पहले हम लोग स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद में और वीडियोस को, और स्टार्ट करते हैं फ़ोन को। तो देखिए इसको स्टार्ट कर दिया हमने। देखिए इसमें कैमरे कितने अच्छे लेंस के साथ में आते हैं, देखिए बहुत ही अच्छे। अब यहाँ पर देखिए ये वन कैमरा मिल जाता है आप लोग को, और वीवो ब्रांड कितना अच्छा शाइनिंग कलर दिया गया है, देखिए कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है, जो कलर है काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहा है। और यहाँ पर आ जाता है आपका जो फ्रंट का कैमरा रहता है और ये फ़ोन का लुक उसके। अब यहाँ पर फ़ोन को रखते हैं जब तक स्टार्ट होता है, तब तक यहाँ पर हम लोग और भी चीज़ें क्या क्या आती हैं इसके साथ में इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो इसको हटाते हैं हम लोग कवर को। अब यहाँ पर मिल जाता है आप लोग को एक, देखिए यहाँ पर मिल जाता है कवर एक आप फ़ोन में लगा सकते हैं वाइट कलर का, तो इसको हम लोग साइड में रखते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं जो पढ़ने के लिए आप लोगों को। फिर उसके बाद में देखिए आपको एक चार्जर मिल जाता है अच्छा खासा वीवो का, बहुत ही अच्छा चार्जर मिलता है आप लोग को। और इसमें मिल जाता है आपको डाटा केबल जो चार्जर करने वाला चार्जिंग के लिए रहता है जो डाटा केबल वो। तो देखिए इतने सारे हो गए। अब देखते हैं अपना फ़ोन स्टार्ट हो गया या नहीं, देखते हैं इतने सारे चीज़ें मिलते हैं इसमें। अभी देखिए फ़ोन ओपन करने के बाद देखिए इसका जो डिस्प्ले कितना HD क्वालिटी का कितना अच्छा आता है। तो यहाँ पर हम लोग चलिए इसको ओपन करते हैं। तो देखिए ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देता है। अब यहाँ पर कैमरे को देखा जाए तो देखिए कैमरे को हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए मैं ऐसे ही कैमरे को ओपन करता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर ओपन किया है, अब यहाँ पर हम लोग देखिए, तो देखिए कैमरे क्वालिटी को भी अगर देखा जाए तो देखिए काफ़ी अच्छा आता है, जूमिंग भी काफ़ी ज़्यादा है, देख सकते हैं आप लोग कैमरा क्वालिटी कितना अच्छा आ रहा है आपको, आप लोगों के सामने ये देखिए ले, देखिए बहुत ही अच्छा क्वालिटी आता है। अब इसको हम लोग करते हैं कैमरे को ऑफ और भी देखते हैं क्या क्या सेटिंग्स में क्या क्या होते हैं। तो देखिए भाई बहुत ही अच्छा आप लोगों को कैमरा मिल जाता है, और यहाँ पर 4GB रैम मिलता है इसमें आप लोग, और भी ज़्यादा 6GB रैम का भी आता है, रैम के ऊपर रहता है, स्टोरेज के ऊपर रहता है। तो इसमें रैम की बात किया जाए तो 4GB रैम है इसमें, और स्टोरेज का बात किया जाए तो भाई इसमें स्टोरेज 64GB है। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, लुक भाई काफ़ी अच्छा लगता है, इसका कैमरे क्वालिटी बहुत ही अच्छे है भाई, बहुत ही अच्छा कैमरा क्वालिटी है इसका। तो आप लोग को भी इसको अगर लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं बस ये 14-15,000 के रेंज में आप लोग को मिलता है, बहुत ही अच्छा फ़ोन है, देख सकते हैं आप लोग काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग कलर के साथ में आता है। सो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई है।